जय भीम साथियों, ऐसे समय में जहां देश की जनता अक्सर अपनी चुनी हुई सरकार से नाखुश नजर आती है, वहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिन्होंने विकास का कार्य भी धड़ाके की स्पीड से जारी रखा है और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भी कई बेहतरीन कदम उठाए हैं। साथ साथ कोरोना महामारी से तो लड़ ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में किए गए हेमंत सोरेन सरकार के अगर विकास के कार्यों की संक्षिप्त में सूची देखें तो कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए रामनवमी और सहरुल जलूस पर रोक लगाई है। 3,550 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। रांची के गैतलसूद डैम में लगाएंगे वो फ्लोटिंग सोलर यंत्र। 1 अप्रैल से मनरेगा श्रमिकों को 225 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में वंचित वर्ग के छात्रों के शिक्षण का खर्च भी सरकार उठाएगी। खिलाड़ियों की सेहत का सरकार रखेगी ध्यान। हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में भाग ले रही राष्ट्रीय जूनियर हॉकी खिलाड़ियों से ऑनलाइन बात की और कोरोना संक्रमित झारखंड और पंजाब के खिलाड़ियों का हाल भी जाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स यानी आदिवासी विकास सूची भी आ रही है झारखंड में। उन्होंने फिर दोहराया है हाल ही में के आदिवासी हिंदू नहीं। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं और बहुजन समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर हैं गोदी मीडिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वह पिछले कुछ दिनों में ANI के साथ एक इंटरव्यू में अभद्र शब्द इस्तेमाल करने के लिए वायरल हुए हैं। और यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया है, खासकर गौ हत्या के मामले में। और हमेशा से ही हम जानते हैं योगी सरकार पिछले कुछ महीनों में लव जिहाद के कानून और शहरों के नाम बदलने के लिए तो विवादास्पद चर्चा में रही है। तो हेमंत सोरेन और योगी आदित्यनाथ की इनमें से जो मुख्य तौर से चर्चा में रही खबरें हैं पिछले कुछ समय में, उन पर थोड़ा विस्तार से नजर डालते हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड में 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 14 सड़क परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया है और ये ऑनलाइन शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ किया है। और कमाल की बात है कि इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप थी वो वीडियो खूब वायरल हुई, आप देख लीजिए। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है, मैं 5,000 करोड़ कर देता हूँ इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5,000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और भाई और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने मेरे पास भेजो, मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ। मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल में PWD सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए और फॉरेस्ट एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए और आप अधिकारी मुझे अच्छे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं और बिल्कुल करके दूंगा। वैसे तो कई बार हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनके काम में बाधा डाल रही है, मोदी सरकार पे भी हमले किए हैं, पर इस बार केंद्र सरकार से जो सहयोग मिला, नितिन गडकरी से जो सहयोग मिला है, तो उसे उन्होंने विनम्रता से स्वीकार भी किया है। मुख्यमंत्री तक ने ये कहा कि हाईवे के किनारे पौधारोपण जरूर होना चाहिए, साथ ही जो एलिफेंट कॉरिडोर है झारखंड में उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हाथियों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए सड़क बनने से। रांची के गैतलसूद डैम में देखें तो 100 मेगावाट क्षमता का जो फ्लोटिंग सोलर यंत्र लगने वाला है उससे विद्युत ऊर्जा तो आएगी ही आएगी, बढ़ेगी ही, पर साथ में जल संरक्षण भी ज़्यादा होगा। और ज्ञानोदय योजना के
तरफ अगर हम रुख डालें तो उसमें 6 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करी है। जी हाँ, 6 करोड़, जिससे गैर सहायता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल है उनमें प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले 11,000 से ज़्यादा बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें बता दें आपको, आरक्षित सीटों पर नामांकित कमजोर एवं अभी वंचित वर्ग के बच्चे आएंगे। इस साल के अंत तक झारखंड सरकार एक आदिवासी विकास सूची के मापदंड भी तैयार कर लेगी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूची होती है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ मिलकर बनाई जाएगी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीति है, जैसे संयुक्त राष्ट्र में होती है, ये पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए पहली ऐसी नीति होगी। इसे अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा होगा कि सरकारी योजनाओं से आदिवासियों को उनकी जीवन शैली और आजीविका के उत्थान के लिए लाभान्वित किया जा रहा है कि नहीं, वो देखा जाएगा। और इसमें शोध कार्य ऐसा होगा कि उन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा सके जहां और सुधार की आवश्यकता है, जहां बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं झारखंड में। और हाल ही में जब हेमंत सोरेन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तो उन्होंने वहाँ फिर से दोहराया कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उन्हें जनगणना में, आने वाली जनगणना में अलग सरना धर्म का कॉलम चाहिए, और ये सीधा सीधा आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के एजेंडा पर हमला है। चलिए अब दूसरी ओर रुख करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ। थोड़ा देखते हैं वो किस लिए चर्चा में रहे पिछले कुछ टाइम में। अब उनकी वीडियो, जैसे हमने बताया, वायरल हुई, जिसमें ANI के साथ कोरोना पर वो इंटरव्यू कर रहे थे, क्या स्टेप्स लिए जाए कोरोना महामारी जो बढ़ रही है। उसमें उन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए वीडियो बहुत वायरल हुई। पहले सबको लगा शायद फेक होगी या किसी ने जोक में बनाई होगी, और हम पर इतनी आपत्तिजनक है हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तो काफ़ी समर्थकों ने योगी आदित्यनाथ के, बीजेपी के, ये भी कहा वीडियो फेक है, नकली है। पर उसके बाद बहुत सारी फेक न्यूज़ जो चेक करने वाली वेबसाइट्स हैं, उन्होंने चेक करके बताया कि ये वीडियो एकदम असली है। और इंडियन एक्सप्रेस की एक नई जांच आई है, उन्होंने नया शोध किया है, उससे पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2018 और 2020 के बीच जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिन 120 केसेस में लोगों को बिना चार्ज या ट्रायल के गिरफ्तार किया था, उसमें से 94 यानी 80% केसेस अलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए थे। अब गौर करने की यह बात है कि इनमें काफ़ी केसेस गौ हत्या के थे, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज को दोषी माना गया था, उनके व्यक्तियों को दोषी माना गया था। इसमें शोध में पाया कि कोर्ट ने कहा कि स्थानीय प्रशासन की जो दलीलें थी वह काफ़ी छिछली थी, ऐसा लग रहा था कि प्रशासन ने कॉपी पेस्ट करा हो हर केस में। ये एक बेहद गंभीर मामला है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये आरोप ज़रूर ऐसे हैं कि जैसे सरकार ने जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाया हो। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ के लिए भी पिछले कुछ महीनों में काफ़ी वायरल हुई है, लव जिहाद कानून, ये जिसमें इंटर रिलीजियस विवाह होता है धर्मों के, दो अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच में, उसमें उन्होंने एक कानून बनाया है। पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे फेक केस हुए हैं इसके अंतर्गत, जिन लोगों को जेल हुई, जिन पे मुकदमा हुआ, वो काफ़ी केस फेक निकले हैं, जिसमें फिर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 स्टेट बन चुका है दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में। अब जितने भी आंकड़े आ रहे हैं राष्ट्रीय क्राइम्स के ब्यूरो के, ये हमारे नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, जिसमें बहुत सारी खबरें हुई हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट है जिसमें जातीय उत्पीड़न के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। और हम जानते ही हैं कि पिछले साल हथरस केस CBI को सौंप दिया गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था, और हो भी कैसे। कल ही हमने एक वीडियो करी कि कैसे उत्तर प्रदेश का एक पुलिस कर्मी ये कह रहा है कि देश आस्था से चलेगा, संविधान से नहीं।
तो ये थी एक बेसिक तुलना आदिवासी समाज से आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सवर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। हमने उनकी नीतियों की और जो हाल ही में वो चर्चा में रहे उस पर बेसिस ये एक नीति करी है कि क्या क्या काम हो रहा है, कि महामारी में चलते हुए विकास के कार्य कैसे कर रहे हैं राजनेता। केवल पिछले दिन की कुछ खबरें देखी हमने, कितना विकास हो रहा है और इसमें खासकर हमें देखें बहुजन समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कितना विकास हेमंत सोरेन कर रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री भी मुझे लगता है हेमंत सोरेन से सीख सकते हैं, कितने वो विनम्र भी है, उनमें ऐसा कुछ कि मैं जोश या ऐसे मर्दाना जोश दिखाने वाली बात नहीं, बहुत ही विनम्र सिंपल से व्यक्ति भी दिखते हैं जब भी वो बात करते हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया खूबी है। और बाकी मुख्यमंत्री भी ज़रूर हेमंत सोरेन से सीख सकते हैं। तो इस विश्लेषण को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमने खास आपके लिए ये विश्लेषण लाए हैं, बहुत ही अलग है, ज़्यादा लोग बात चर्चा इस पर नहीं करते। हेमंत सोरेन की बात ज़्यादातर नेशनल मीडिया में नहीं आती, पर आप क्योंकि बहुजन मीडिया को बढ़ाना है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, इस विश्लेषण को, खबरों को ज़्यादा ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। और न्यूज़वीक चैनल को ऐसे ही विश्लेषण पाने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे वहाँ। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।